सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं हूँ बोईसर रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से मैं जा रहा हूँ वलसाड। श्री स्वामीनारायण टेम्पल है, वहाँ पर दर्शन करने सुना है, वो भी बहुत अच्छा है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ आज। तो बने रहना व्लॉग के साथ। पालघर से आया मैं बोईसर और बोईसर से जाऊँगा वलसाड। हाँ इतना ही था बस, बने रहिएगा व्लॉग के साथ। ये सारे के सारे जितनी भी पब्लिक है ना, सब जॉब करने वाली है। ये देखो गाइस बोईसर की पब्लिक देखो, बाप रे बाप। ये देखो ऊपर, देखो ऊपर तो और भी है, आगे देखोगे तो कितनी सारी पब्लिक है। इंटरसिटी एक्सप्रेस अभी इसके जनरल डब्बे में गर्दी तो होने ही वाली, इतनी सारी पब्लिक है चढ़ने के लिए, सारी की सारी पब्लिक जनरल, हालत टाइट होने वाली आज। गाड़ी में लिटरली खड़े रहने की जगह नहीं है, वलसाड तक खड़े रहकर आए, पैर के वाट लग गई पूरी। ये देखो गाइस ये रहा वलसाड रेलवे स्टेशन। अभी मुझे आ गए 5-10 मिनट हो गए, यहाँ पर कहीं वॉशरूम नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा कब से वॉशरूम लगी है, लेकिन अभी देखते हैं वॉशरूम कहीं मिलता है तो जाते हैं, वरना डायरेक्ट मंदिर के पास ही जाएंगे सीधा। ये देखो ये लिखा है पेशाब का 0 और ये भैया मांग रहे पैसे। देखो ये पेशाब 0 रुपया लिखा है, फिर भी ये भैया बोल रहे हैं कि 5-10 रुपया लगेगा पेशाब का। बोलो 10 रुपया लिखा है उधर, ताना दे रहे कि भाई नहीं देना है तो मत दाबे, नहीं देंगे जाओ। तो ऐसे लोग है, क्या करें, अभी छोड़ो, लिखा है उधर। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं स्वामीनारायण टेम्पल, और ये रहा इस साइड आपको तिथल बीच मिल जाएगा, यहाँ से भी जा सकते हैं। एक बात कंफर्म नहीं है कि अंदर वीडियो निकालने देंगे कि नहीं, कि मंदिर के बाहर तो सभी निकाल सकते हैं, अंदर पता नहीं निकालने देंगे कि नहीं। सो गाइस ये एक फूड कोर्ट है, यहाँ एक फूड कोर्ट है और इसके पीछे एक फूड कोर्ट है, खाना तो मिल जाएगा। और ये बैठने की जगह बना के रखी है और ये छोटा सा गार्डन बना के रखा है यहाँ पर, और ये बच्चों के खेलने के लिए। अभी मुझे ये पता नहीं है कि मंदिर में एंट्री कहाँ से होने वाली है, क्योंकि पूछना पड़ेगा किसी से भाई एंट्री कहाँ से, अंदर वीडियो अलाउड है कि नहीं वो भी पूछना पड़ेगा। वीडियो अगर अलाउड हुआ तो मज़ा आ जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन में डेली करता रहूँगा अपने वीडियो के साथ। फाफड़ा जलेबी बन रहा है, बन नहीं रहा, बना हुआ है, अभी पेट में जाने वाला है। तो गाइज ये मिल गया मुझे बॉल, मंदिर दर्शन श्री नीलकंठेश्वर दर्शन अभिषेक बुक स्टॉल और वॉशरूम, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। यार कुछ भी कहो वैसे एरिया बहुत शांत है, पीसफुल एरिया है, आप आओ घूमो मज़ा आएगा। लेकिन एक चीज़ है कि आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर रिक्शा के बहुत भाड़े हो जाते हैं, रिक्शा वाले 200-250 रुपये लेते हैं। हमने पूछा तो 120 में हमको ला के छोड़ दिया। अभी रिटर्न जाते वक्त रिक्शा मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो कुछ अंदाज़ा नहीं है, मिल जाए तो अच्छा, भगवान की कृपा। तो चलो अभी सीधा मंदिर के दर्शन ही दिखाते हैं आपको, अगर अलाउड हो गए तो। मंदिर में एज एक्सपेक्टेड फ़ोन अलाउड नहीं है, क्योंकि मुझे अभी से पता है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही मंदिर दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आना बिल्कुल वर्थ इट है, आप में से किसी को आना हो तो वलसाड़ से 7 किलोमीटर 6 या 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो आना पूरा वर्थ इट है, मज़ा आता है, आपको दिखाता हूँ मंदिर। देखो ये सारा गाड़ी का पार्किंग का एरिया है, तो वहाँ पर एक छोटा सा गार्डन है, यहाँ पर भी गार्डन है, और एक क्या इधर पता नहीं क्या है, लेकिन मंदिर ये सारे कितना खूबसूरत मंदिर है। ये देखो ये रहा मंदिर,
और इस साइड पता नहीं कि शादियों का फंक्शन वंक्शन के लिए कुछ देते हो तो। ये देखो गाइस, ये जो पूरा हॉल है ना, बहुत बड़ा हॉल है, ये मैरिज के लिए देते हैं और ये स्वामीनारायण ट्रस्ट है। ये देखो ये लिखा है ना, अक्षर महल। सो गाइस, मंदिर के अंदर तो फोन अलाउड है, लेकिन मंदिर के प्रांगण साइड, अपना बाहर की साइड होती है ना, तब तक फोन अलाउड है, लेकिन मंदिर के अंदर शूटिंग नहीं कर सकते। चलो इतना तो ठीक है कि बाहर का नज़ारा देखने जैसा आपको दिखाता हूँ मंदिर। तो गाइस, ध्वजा के दर्शन कर लो सबसे पहले, उसके बाद ये रहा पूरा मंदिर। देखा, ये एक मंदिर है और उस साइड और एक मंदिर है। ये देखो, ये ट्रस्ट है, ऐसा होटल जैसा बना के रखा है, वो शाहरुख खान का मन्नत है ना वैसा, और ये आजू बाजू का एरिया। सो गाइस, ये तो मैंने अभी नोटिस किया कि ये पूरा बना है सोलार पैनल से। ये देखो, उस साइड भी सोलार पैनल से। ये देखो गाइस, कितना बड़ा है, आराम से 500,000 लोग आ जाएंगे। ये देखो, ये मंदिर स्वामीनारायण जी का, और ये सब पूरा सोलार पैनल से चलता है। ये जितने भी पंखे हैं, लाइट्स है, और ये स्पीकर भी है आगे, शायद इधर रखे है अंदर। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है मंदिर की, कि सब कुछ सोलार पैनल से कनेक्टेड है, इसलिए ये अच्छा है कि बिजली की बचत होगी, अच्छी बात है। और ये हॉल शादियों के लिए भी दिया जाता है, अभी एक शादी भी है शाम को, पंडित जी बता रहे थे। मज़ा आए भाई, कितना बड़ा हॉल है देखो। तो गाइज, महाराज जी से मैंने पूछा था कि वीडियो निकालना अलाउड है, तो वहाँ तो लिखा था कि नॉट अलाउड है, लेकिन महाराज जी ने कहा कि हाँ, निकाल सकते हैं, वीडियो और फोटो दोनों निकाल सकते हैं। तो महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे तो अलाउड नहीं था, लेकिन उन्होंने परमिशन दी निकालने की। तो यहाँ पर एक छोटा सा पीछे गार्डन बना है, अच्छा है एरिया, आप घूमने भी आ सकते हो, बेस्ट है। लेकिन मेरी तरफ से तो 5 में से 5 बेस्ट, मज़ा आ गया घूमने में। अभी चलते दूसरे एक टेम्पल है, ताड़केश्वर महादेव टेम्पल, अभी सीधा वहाँ पर जाएंगे यहाँ से। तो चलिए, अभी सीधा मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।